मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये गुरु जी की मेहर है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। एक मैं आज गुरु जी के लिए पहले थोड़े शब्दों में बताऊंगी कि गुरु जी क्या है, गुरु जी क्या चीज है। गुरु जी के लिए मैं बता रही हूं कि एक छोटा सा सूर्य रूपी बालक, सूर्य रूपी तेज बालक जो छोटे से गांव में आया, वो गांव क्या था, डुगरी। उस टाइम जिस टाइम उनका आना हुआ, डुगरी बिल्कुल छोटा सा गांव था। देखो आज वो सूर्य रूपी बालक सारे वर्ल्ड में छा गया। वो क्या है गुरु जी का मैं बताने जा रही हूं कि गुरु जी एक साक्षात ईश्वर, रियलिटी में ईश्वर है। वो ईश्वर कैसे धरती पे आए, उसके बाद देखो कि वो एक ऐसी ईश्वर है, ऐसी ईश्वर है हमारे 33 करोड़ देवी देवता, पर वो एक ऐसी ईश्वर है कि जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने हाथों में ले रखे हैं। हमारे ईश्वर हैं जितने भी, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग है। कोई वायु देवता, कोई जल देवता, किसी के हाथ में मृत्यु है, किसी के हाथ में पालन है। एक ऐसी ईश्वर है कि जिसके पास सारा ही एक मुट्ठी के अंदर पूरे डिपार्टमेंट है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा, प्रैक्टिकल फील करा। खैर उस टाइम जिस टाइम उनके पास हम गए, हमने उनको ईश्वर नहीं समझा था, वो आज समझ रहे हैं। जितना टाइम वो हमारे साथ फिजिकल फॉर्म में रहे, हम तो उनके साथ मौज मस्ती ऐसे था कि जैसे आपको क्या वर्णन करूं, दिन रात उनके साथ हमने बिताए हैं। आज मैं उन पलों का ही वर्णन करूंगी कि कैसे उस ईश्वर के साथ हमने पल पल बिताए। आज उन पलों को हम याद करके रोते हैं। कई बार कोई सोचते है कि आप कैसे आए, कैसे गुरु जी के साथ जुड़े। गुरु जी के साथ हम जब उनकी एंट्री दिल्ली में हुई, ऐसी ईश्वर की कृपा हुई कि हम उनके चरणों में आए। उस टाइम हमने देखा कि उनके चरणों में कौन कौन बैठते थे। उनके चरणों में जितने भी बैठते थे सब पढ़े लिखे थे, अनपढ़ तो बेवकूफ बन सकते हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं बेवकूफ बन सकते हैं। जितने आईएएस ऑफिसर, जितने इंडिया के जनरल, क्रिकेट के प्लेयर, बॉलीवुड सितारे, बिरला, टाटा, मतलब एक से एक बड़ी तोप गुरुजी के दरबार में होती थी। और उस जगह पे एक छोटी सी जगह हमें बैठने को मिली, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी कृपा उन्होंने हमें गले लगाया, कितना प्यार करा उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुजी का मैं बता रही हूं कि जैसे मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रखे हैं, उन्होंने दिल्ली में क्या सारे वर्ल्ड में
हर तरह की बीमारी का इलाज करा सबसे पहले जी है। जब भी कोई गुरु जी की शरण में आता है तो उसकी 7 जन्म की पीछे और 7 जन्म की आगे की फाइल ऐसे खुल के हो जाती है। उनको तुरंत पता चल जाता है, जैसे हम लोग माथा टेकने आते थे, जैसे प्रसाद लेना, बड़े ऐसे टेढ़ी निगाह से देखते थे, तुरंत स्क्रीनिंग कर लेते थे कि ये कौन है, कहां से आया है, इसकी फैमिली क्या है। गुरु जी का हमेशा कनेक्शन हमारे बॉडी से नहीं होता था, गुरु जी का कनेक्शन हमारी रूहों के साथ है। जब भी हम माथा टेकने जाते थे तो ये नहीं कि हम सामने खड़े हैं तो वो हमें देख रहे हैं, नो, उनका कनेक्शन अंदर की रूहों के साथ था। और रूह का आपको बताऊं कि रूह नाइदर मेल नॉर फीमेल, उनको तुरंत पता चल जाता था कि कौन है, कहां से आया। ऐसा कौन सी प्रॉब्लम है जो गुरुजी ने हल नहीं की। उन दिनों हम गुरुजी के पास बड़े सिंपल वे से बैठते थे, कोई आ रहा, गुरुजी मेरे को डायबिटीज है, कई बार कह भी देते थे मैं डॉक्टर है, मैं कोई डॉक्टर है, और तुरंत अगले पल एक सेकंड में उसका काम कर देते थे। एक आदमी आया तो माथा टेकने लगा तो परे बैठा, माथा नहीं टेका, तो गुरुजी उससे पूछते हैं भाई तू की गल है, कहता गुरुजी मेरे को फूलों से एलर्जी है। और गुरुजी के चरणों में पहले फूल होते थे, हम लोग हार चढ़ा देते थे, कोई फ्लावर लेके आते थे, बुके लेके आते थे, बाद में तो खैर बंद हो गया था। तो गुरुजी ने कहा कि पास है, और पास आने से वो कतरा रहा था कि अगर पास आ गया मैं 6 महीने बीमार रहूंगा। पर जैसे ही वो गुरुजी के पास आया उसको कुछ नहीं हुआ। डेली गुरुजी ने देखा कि उसको पास बिठा देते थे, उसने बताया कि मेरे को ये प्रॉब्लम अब है नहीं है। गुरुजी के मैं बता रही हूँ ये कैंसर, गुरुजी कह रहे थे 3 चीजें बरसेंगी, आने वाला जो पीरियड है 3 चीजें बरसेंगी, डाइवोर्स, डिप्रेशन और कैंसर, पहले बता दिया था। आज देखो वर्ल्ड में ये तीनों चीजें बरस रही हैं। यहाँ का तो नहीं मैं कह सकती, क्या दिल्ली में तो घर घर में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई 3rd स्टेज का कैंसर, कोई 4th स्टेज का कैंसर। और गुरुजी कैसे कोई सोच सकता कि 4th स्टेज के कैंसर को ठीक कर दें। 4th स्टेज, 3rd स्टेज, गुरुजी ने घर घर में सबको हेल्थ दी है। एक मैंने देखा पीछे कुवैत से कोई लेडी आ रही थी, उसकी छोटी सी डॉटर, उसको 2 साल की थी, उसको भी कैंसर था, वो उसको लेके मंदिर आई, बड़ी मंदिर आई, और 15 दिन रुकी या 1 महीना वहां दिल्ली में रुकी। बाद में उसने बताया कि उसकी जितनी प्रॉब्लम थी उस छोटी सी बच्ची की वो सब ठीक हो गई। आज वो हालत है कि छोटे बच्चे से लेके बड़े तक ये कैंसर ऐसे बरस रहा। डाइवोर्स बरस रहा, डिप्रेशन, घर घर में डिप्रेशन। 99% जो लोग आते हैं मंदिर में वो सब दुखी हैं, 1% होगा जो सुखी है। पर ये ऐसे हैं हमारे ईश्वर, ये सबको इन्होंने अपनी छतरी के नीचे रख लेते हैं। आप खुद फील करोगे जब आप महसूस करोगे कि हम इनकी शरण में आ गए, हम इनकी छतरी के नीचे खड़े हैं, तो आप अपने आप को सेफ महसूस करोगे। ये कहते कई बार कहते थे घर का एक बंदा भी आ जाए ना वो सब का कल्याण करवा जाता है। ये जरूरी नहीं कि सारी फैमिली ने आना, एक घर का एक आदमी भी आ गया
वो अपना भी कल्याण, परिवार का भी कल्याण, पड़ोसियों का भी कल्याण और इवन रिलेटिव का भी कल्याण करवा के जाता है। इतनी पावर हमारे ईश्वर के अंदर। ऐसे एक दिन मैं बता रही हूं कि शुरू में हमें पता नहीं था कि गुरुजी के साथ हमने बात कैसे करनी है, तो ऐसे हम मैंने आगे गई और ये भी नहीं पता था कि जैसे हम आज स्वरूप कहते हैं, उस टाइम मैंने इनको जाके क्या कहा, मैंने कहा गुरुजी तो ऐसे देखा ऊपर, मैं क्या अपनी को फोटो तो दे दियो, है कमली जी तेनू की फोटो की लोड़ है, तार नाल तार जोड़ी दी है। मैंने सोचा पता नहीं कोई ऐसी बिजली की तारे जोड़नी है, क्योंकि उस टाइम उम्र का भी तकादा था, कौन सी ऐसी तारे जोड़नी है, अनजान थे। पर जब गुरु जी के साथ, उस ईश्वर के साथ तारे जुड़ जाते हैं, उस टाइम कोई नजर नहीं आता, सिर्फ वही नजर आते हैं, दीवाने हो जाते हैं, कुछ नजर नहीं आता, काम वही करते हैं। आप उनकी दीवानगी में रहो, काम सब वही निपटा देते हैं। जब रहमत करने भी आते हैं, ये प्रभु कृपा करने भी आते हैं। एक दिन ऐसे बैठे हुए थे, हमारा ये था कि उनकी कृपा से तकरीबन रात को कभी लेट छोड़ते थे, कभी सुबह हो जाती थी, हमें बहुत अच्छे उनके चरणों में वक्त मिला। तो एक दिन ऐसे 12:30 का टाइम था, तो कैसे कृपा बरसाई उन्होंने, तो ऐसे इशारा करा, तो एक सिंगल अंकल थे, 50-60 उनके स्वरूप लेके आए, आज तो उनके बहुत बड़े बड़े स्वरूप हैं, उस टाइम पॉकेट पे इतने छोटे से स्वरूप लगते थे, तो ऐसे वो पकड़ के लेके आए, गुरुजी के चरणों में रखे हुए। तो गुरुजी ने टांग के ऊपर टांग ऐसे रखी हुई थी और सारे जितने स्वरूप थे उनको ब्लेस कर रहे थे। तो मैं उनकी लेफ्ट साइड में बैठी थी, तो मन में आया कि आज एक तो मिल जाएगी फोटो, आज फोटो एक तो मेरे को जरूर मिल जाएगी, इतने इन्होंने इतने क्या करने हैं, सबको हो सकता एक एक बांटे, एक मेरे को भी मिल जाए। मन के अंदर मैंने सोचा जैसे गुरुजी ने सब स्वरूप ब्लेस कर दिए, तो दोनों हाथों से उठाए, शर्मांटी कर चोली कर पल्ला, जितने स्वरूप थे वो सारे बरसा दिए। उस टाइम स्वरूप की भी वैल्यू नहीं पता थी, स्वरूप घर गए, जिसने भी मांगा उसको ही पकड़ा दिया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मम्मा गुरु जी की फोटो दे दो, लो जी हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस मेरे को दे दो, फ्रेंड्स मांग रहे हैं उनको, सब स्वरूप ऐसे चले गए। तो ये उनकी रहमत, हमने कैसे उनके साथ पल पल बिताए। एक दिन मैं बता रही हूँ कि बेटा हमारा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ रहा था, हम कभी भी जाते थे बाहर गुरुजी को बता के जाते थे, बिना बताए कभी नहीं गए, गुरुजी नैनीताल जा रहे हैं, चुप कर गए। नैनीताल गए क्योंकि स्कूल से फोन आया था, उसके कॉलेज से फोन आया था, बेटा 4th क्लास में था, कि इसको बहुत प्रॉब्लम है। बेटे को लेके दिल्ली लेके आई और डॉक्टर चेकअप करवाया, टेस्ट सारे करवाए, तो डॉक्टर बहुत नाराज हुआ कि बेटा आपका इतना सीरियस है, आप बच्चे का ध्यान नहीं रखते। तो शाम को मैं गुरुजी के मंदिर उसको लेके गई, क्योंकि मैंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था। जब शाम को मंदिर लेके गई, तो शाम को जल्दी जाना पड़ता था, क्योंकि गुरुजी की जो भी ड्रेसेस होती थी वो वॉश के लिए मेरे को देते थे, चोला जितना भी था वॉश के लिए डेली देते थे। तो 5 बजे मैं वहां पहुंची, देखा तो गुरुजी रूम में बैठे हुए हैं। तो जब तक गुरुजी ने कहा, शर्मा आंटी, हां जी गुरुजी, मुंडा कर देता तेरा ठीक,
ये है वो ईश्वर। तो मैंने कहा थैंक यू गुरु जी। थोड़ी देर बाद चीफ सौरभ ने जूठी चाय बच्चे को पिलाई, मटकन आंटी थे, उनको कहा शर्मा आंटी ने मुंडे नु दे। जब मैं रात को चलने लगी तो गुरु जी ने कहा शर्मा आंटी, मैं क्या, हां जी, ए मुंडे का कल टेस्ट करवा ली। नेक्स्ट डे मैंने टेस्ट करवाई लाल लेबोरेटरी से, जब पता चला तो कुछ नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। जैसे मैं गुरुजी के पास शाम को आई तो गुरुजी कहने लगे कितना फिर देखिया मुंडा कितना ठीक किया आपने। तो हम थैंक यू जरूर बोलते थे, थैंक यू गुरुजी। ऐसी बच्चे का नाम भी उसका पहले अभिमन्यु था, उसके बाद गुरुजी ने ही हिमांशु नाम दिया। वो गुरुजी ने जैसे बच्चा अभिमन्यु नाम था तो बड़ा पतला सुकड़ा सा था, बिल्कुल स्लिम ट्रिम था। जैसे उसको नाम दिया, हिमांशु का नाम दिया, तो वो ऐसे फैल गया। तो मंदिर आए, जब मंदिर आए तो छोटे वाली डॉटर, क्योंकि हमारा गुरुजी के साथ बड़ा बातचीत करने का अलग ही वे था, हमने सोचा थोड़ी था कि ये ईश्वर है, हम तो अपने बड़े इजी वे से बातें करते थे। छोटी डॉटर कहने लगी गुरुजी जब से आपने इसका नाम चेंज करा तो तब से ये ऐसे हो गया हाथी, वैसे हाथी की शक्ल बना के ना। तो गुरुजी वो स्लैब के ऊपर बैठे थे तो गुरुजी भी हंसने लग गए। उसके बाद गुरुजी का मैं बता रही हूं कि कैसे वो शादियां कैसे करते हैं, बीमारियां तो दूर करते हैं गुरुजी। जब बीमारियों के लिए भी कहते हैं ना, एक दिन बैठे बैठे ऐसे हम बैठे हुए थे, कहते जो तो बीमार होंगे ना, बीमारियां आती हैं फिर पंडतों को भजते हैं, फिर पंडित कहते हैं कि महामृत्युंजय का जाप करवाओ, लखा रुपये पट देंगे, लखा रुपये पट देंगे। साडा तो एक चुटकी का काम है और रियलिटी में उनका चुटकी का काम है गुरुजी का। गुरुजी तो ऐसे हैं ईश्वर, जमदूत से भी खींच के लेके आते हैं बंदे को। ऐसे ऐसे केस हजारों हैं जहां गुरुजी ने आजू को बढ़ाया, उम्र को बढ़ाया, जमदूतों को भगाया। इतनी पावर है उस ईश्वर के अंदर, कोमा के अंदर, वेंटिलेटर के अंदर हो बंदा, गुरुजी खींच के ले आते हैं। ऐसी पावर है उस ईश्वर में। अब मैं बता रही हूं कि शादी कैसे करवाते हैं। हमारे घर में थोड़ी ज्वाइंट फैमिली थी, बच्चियां ज्यादा थी, तो बड़ी हमारी डॉटर, उसका नंबर था। तो ऐसे एक दिन मैंने कहा, गुरुजी को पता था, उनको पूरा ध्यान था। एक दिन वेडनेसडे को, बुधवार को, मैंने ऐसे घर में ऐसी टोली फैलाई, करो मैं क्या, कृपा करो। नेक्स्ट डे थर्सडे कोई वीरवार ऐसे कोई काम पड़ गया, हमें मंदिर जाना पड़ा। जब मंदिर गए, क्योंकि डे टाइम में मंदिर नहीं जा सकते थे, तो हस्बैंड ने कहा कि जा रहे हो तो गुरुजी की लस्सी भी लेते जाओ। हम लस्सी भी लेके गए। जब गए तो बहुत धूप थी, तो डॉक्टर कहने लगी, एक अंकल आए तो उन्होंने पानी दिया बाहर, तो इतने में कहा डॉक्टर ने कि गुरुजी बाहर ही बैठा के रखोगे, क्या अंदर नहीं बुलाओगे, धीरे से कहा। इतने में अंदर से जोशी अंकल आए, शर्मा आंटी आपको गुरुजी बुला रहे हैं अंदर। जैसे अंदर गए, गुरुजी अपने रूम में सोफे के ऊपर लेट थे। सोफे के ऊपर हमने वो ऐसे दर्शन करे, वो आज तक भी याद है कि अपनी बाजू करके ऐसे पूरे, उस टाइम ऐसा था कि जैसे विष्णु भगवान शेष शैया पर लेटे हैं, ऐसे दर्शन थे उनके। हम दोनों अंदर गए, शर्मा आंटी भर दी है तेरी झोली,
क्योंकि एक दिन मैंने पहले कहा था चरमंटी भर देती तेरी चोली। हम बैठ गए उनके पास, चाय पी, दोबारा फिर चाय पी। तो डॉक्टर कहने लगी कि गुरुजी मैं तो बाहर पढ़ने जा रही हूँ। थैंक यू, बाहर पढ़ने जा रही हूँ। है कमली जी, तेनु की लोड़ा बाहर पढ़न दी, तेनु मैं ब्लेस कर देता है, कोई लोड़ नहीं। कोई लोड़ नहीं है शर्मांटी, आज की देना। मैं कह जी वीरवार, अच्छा चलो अगले वीरवार तक देखो की हुंदा, मौजा करो। हम आगे घर में, फ्राइडे को ही प्रोसीजर शुरू हो गया। उनकी कृपा से कैसे प्रोसीजर शुरू हुआ, कोई पुराना कार्ड पड़ा था उस पे कोई फोन नंबर लिखा था, वो कैसे छोटी डॉटर ने कंपेल करा कि जे फोन करो फोन करो फोन करो। फोन करा, प्रोसीजर शुरू हो गया। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जैसे जैसे प्रोसीजर आगे बढ़ा, और मैं डेली गुरुजी को बता रही थी कि गुरुजी आज ऐसे, हाँ हाँ देख दे जाओ, देख दे जाओ। हम अगले वीरवार बच्चे का रोका हो गया, वो अपनी बात के पक्के हैं। अगर उन्होंने एक बात कह दी तो बात के पक्के हैं। उसके बाद शादी का टाइम आया। शादी में उन्होंने डॉटर से प्रॉमिस करा हुआ था कि मैं तेरे ब्याह ते आवांगा, आवांगा तेरे ब्याह ते। प्रॉमिस करा, वादा करा, वो निभाते हैं। हम भी ट्रेडिशनल वे से गुरुजी को बताने गए शादी का, जैसे एक माई के घर में शादी बताने जाती है। गुरुजी के साथ हमारा प्यार ऐसा था, उस प्यार का वर्णन करना कठिन है। वो प्यार क्या चीज थी, वो प्यार आज भी है। ट्रेडिशनल वे से जब बताने गए, शाम के टाइम में था, हमें पहले बुला लिया गुरुजी ने, तो देखा एकदम एग ही लेके आई है। हमने परात में लड्डू डाले हुए थे, बड़ी परात में, शादी के कार्ड थे, गुरुजी को दिए, वो भी दिए, एग ही लेके आई है। मैं कि गुरुजी देखो ये कोई बेडशीट थी उनके पसंद की, ले बचा दे मेरे बेड पे, बचा दे। वो चार पाई पे बिछाई, बेड पे बिछाई। बताते हैं कि वो चार दिन गुरुजी ने नहीं उठाए। उसके बाद गुरुजी उठे, उठ के उन्होंने अपनी अलमारियां खोली, अलमारियां खोल खोल के जो कपड़े निकालने लगे, देख देख के ऐ शर्मांटी मेरे आगे उन्होंने फेंका, शर्मांटी है चुक कुड़ी दे ब्याह ते सला ले। फिर दूसरा शर्मांटी मेरे आगे उन्होंने कपड़ों का ढेर लगा दिया, चल कुड़ी दे ब्याह ते सवा ले सारे। उसके बाद लाल रंग के शूज निकाले, स्पोर्ट्स शूज, लाल रंग के जूते निकाले। शर्मांटी मैं क्या, हां जी गुरु जी, ए प्रौने ले भी ले जा, प्रौना दामाद को कहते हैं, शादी तो अभी नहीं हुई थी, ए ले चुक प्रौने ले भी ले जा। थैंक यू गुरु जी। शादी पे आए, सबसे उस दिन 31 जनवरी, ठंडा दिन था, कैसी गुरु जी की काफिला आया, गाड़ियां आई, और कैसी गुरु जी ने वो शादी अटेंड करी। अब बच्ची की शादी हो गई, जिम्मेवारी सारी गुरु जी की है। शादी के बाद क्या हुआ, 2009 में गुरु जी का चोला छोड़ने के बाद, 2009 में उसके हस्बैंड बीमार हो गए। वो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी, वो ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम थी कि वो माइनस पे आ गए, माइनस पे आ गए। उसके बाद गुरुजी ने कैसे उस बच्चे को लाइफ दी, वो खुद ही उन्होंने बताया कि मैंने तेरा कल्याण कैसे करा। उसका कल्याण क्यों करा, डॉटर की वजह से।
क्योंकि वो गुरुजी को बहुत प्यार करती है। गुरुजी ने उसके सुहाग को कैसे बचा के रखा। गुरुजी ने फिर एक दिन कहा कि भी तेरी अन्नी उम्र सी ते मैं पुट्ठी कर देती है। उसके बाद डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करा, रिटर्न दे दिया। उनके एक डॉटर थी, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि अगला बच्चा नहीं हो सकता और करना भी मत और होगा भी नहीं, अगला बच्चा नहीं होगा। मकर संक्रांति को वो गुरुजी से मांगने गए बच्चा। ये देखो कि अगली मकर संक्रांति को वो बच्चे को माथा टकाने गए। आज वो बेटा 5 साल का 6 साल का है। बहुत अच्छी रूह गुरुजी ने भेजी है। बताओ, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं वो गुरुजी ने ठीक करी हैं, तो कैसे ना वो डिफरेंट टाइप के ईश्वर हुए। ऐसे ऐसे उन्होंने दिल्ली में ऐसे ऐसे बच्चे दिए। मुंडा देने में तो पंजाबी में कहते मुंडा देने में तो वो महार है, महार है। बच्चा देने में महार है, महार है। कई लोग सोचते हैं कि बच्चा नहीं हुआ, कई लोग सोचते हैं शादी नहीं हुई। लो जी, हमारी तो गुरुजी ने शादी करी नहीं, हमारी तो इतनी उम्र हो गई। नो, गुरुजी को सब पता, सब ध्यान है। वो क्यों नहीं करा? क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं था। गुरुजी अपनी संगत को दुख नहीं देना चाहते। वो कहते मेरी संगत सुखी रहे। जे गुरुजी की कृपा है, जे गुरुजी की रहमत है। ऐसे एक दिन गुरुजी के मैं बताती हूँ कि वो घर में कैसे आते हैं। उस टाइम हम लोग चंडीगढ़ बैठे हुए थे उनके साथ। जब जब भी वो गुरुजी आए, तब तब अपने रोब से, रोबीलेपन से चंडीगढ़ बैठे, तो हस्बैंड बैठे हुए थे गुरुजी के साथ। शर्मा, आ रहा मैं, वीरवार आ रहा तेरे घर, मंगलवार बैठे हुए थे। ये तो पिंडी काम के। गुरुजी, अगले वीरवार है कमला जी, जेड़ा परसों आ रहा, जेड़ा परसों आ रहा वीरवार। ये तो पसीने छूट गए, क्योंकि गुरुजी का आना आसान नहीं है। गुरुजी जब भी आते हैं अपनी संगत के साथ आते हैं, संगत को लेके आते हैं गुरुजी। गुरुजी आ रहे हैं, इन्होंने अलग से जाके फोन करा घर में, डॉटर को फोन करा कि गुरुजी आ रहे हैं। घर में तो खुशियां छा गई, बच्चे नाचने लगे। बताया ज्वाइंट फैमिली थी, बच्चे नाचने लगे। हम गुरुजी के साथ है, एक फोन ही करा गुरुजी आ रहे हैं, उसके बाद हम उन्हीं के साथ थे। जब हम वेडनेसडे नाइट को आए, शाम के टाइम आए, देखा तो घर की जो हालत थी, पूरा अनटाइडी घर, सारे 30-32 सीटर सोफे थे वो सब खुले हुए हैं, पर्दे सारे उतरे हुए, जो मशीन वाले वो जो लेबर वाले जो करते टेलर वगैरह वो सब लगे हुए हैं। इतना गुस्सा चढ़ा हस्बैंड को, इतना गुस्सा चढ़ा कि विजय क्या करा घर का हाल, कल गुरुजी आ रहे हैं और जी आज क्या करा। मैं आपको बताना चाह रही हूं कि जैसे हम सत्संग करते हैं, जब गुरुजी घर आते हैं तो हम इंतजाम नहीं करते। ये हमारी गलतफहमी है कि हमने लंगर बनाया, हमने दरबार सजाया, हमने फूल लगाया। नो, वो गुरुजी ही करवाते हैं, अपना प्रबंध वो खुद ही कर लेते हैं। जब रात को डांट मारी बच्चों को, तो बच्चों ने कहा कि पापा, गुरुजी को रेड मैरून कलर का शौक है, इसलिए हमने सारा घर रेड मैरून कलर का करना है। ये देखो, अगले दिन थर्सडे को घर पूरा टों 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 टों
गुरुजी की गाड़ी आ गई फटाफट अंदर गेट के अंदर, और मैंने भी पूरी संगत पहले ही आ चुकी थी काफी, परात भी मैंने फूलों की लेके गाड़ी के, जैसे गाड़ी आ रही है और मैं फूल बरसा रही हूँ गुरुजी के ऊपर, ऐसे हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, आरती उतारी अंदर आ रही है। बच्चों ने भी जैसे जिस रास्ते से गुरुजी निकले उस रास्ते पंखों के ऊपर वो फूलों की पत्तियां लगा रखी थी, जैसे गुरुजी निकले स्विच ऑन 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 तो जो पत्तियां थी वो देखने वाला सीन था कि कैसे बरस रहे हैं गुरुजी के ऊपर फूल, तो कैसे आते हैं। गुरुजी से पूछा, गुरुजी संगत के लिए तो अलग लंगर बनता, गुरुजी से पूछा गुरुजी क्या खाओगे, मैं क्या खाना, आलू की सब्जी बना लियो, पनीर की भुर्जी बना लियो। उनका खाना कितना इजी खाना था। एक दिन मैंने देखा मंदिर में थे हम, तो गुरुजी किचन में गए, चंदन था किचन का वो जो काम करता है, की बनाया आज, की बनाया, गुरुजी परौंठियां बनी है। अच्छा, फटाफट प्लेट की तरफ भागा थाली लेने के लिए, वो कंजरा मैनू दे दे, दे हाथ दे दे, ऐसे परौंठी रख ली गुरुजी ने, अचार रख दे ऊपर, अचार रख दिया, लेके परौंठी बाहर आ गए, दो ग्राहियां खाई, आधी परौंठी कोई चंडीगढ़ से आए हुए थे उनको दे दिया। उनका भेद हम पा नहीं सके, उन्होंने हमें एक भी सिंगल भनक नहीं होने दी कि वो क्या है। जब हम बैठते थे उनके साथ वो ऐसे सब लोग आ रहे अपनी अपनी समस्याएं लेके आ रहे हैं, गुरुजी जी है, गुरुजी वो है, उन्होंने सबका ही कल्याण करा, सबका कल्याण करा। एक दिन कोई लेडी बैठी हुई थी, है किन्ने बच्चे है, गुरुजी मेरे तो कोई भी बच्चा नहीं है, है गुरुजी मेरे बच्चा नहीं, मेरे यूट्रस नहीं है, ले अपन की लोड है यूट्रस की, है अपन की लोड है, असि ट्यू च फिट कर देना। उनके अंदर इतनी पावर थी गुरुजी के अंदर कि हमारी अंदर की एक एक चीज नस 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 वो बीमारियों को भी कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी बीमारी हो, किसी को अब मैं बताऊं कैंसर ही होना हो, जब कृपा बरसा देते हैं उसी बीमारी को वो किसी और रूप में कर देते हैं। एक दिन गुरुजी का ऐसी मूड बना, हमारा नैनीताल के आगे रामगढ़ रिजॉर्ट है, मूड में आया बच्चों की तरह जिद करी, मैं तो रामगढ़ जाऊंगा, जैसे वो कहते थे मैं वीरवार घर आ रहा, मैं तो रामगढ़ जाऊंगा। तो हम घर में थे, अभी पता चला, सबको कह रहे थे चल तू भी गर्म कपड़े ले आ, मे का लास्ट मंथ था, चल तू भी गर्म कपड़े ले आ घर भज, शर्मा दे रिजॉर्ट ते जाना। और हमें खबर नहीं, खबर आई घर में कि गुरुजी जा रहे रामगढ़, इनको बताया, ये कहते नहीं नहीं अभी नहीं, अभी गुरुजी को किसी तरह रोको, उनको कहो कि सिर्फ 8 दिन दे दे, क्योंकि जिस वे से मैं गुरुजी का स्वागत करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली से नैनीताल का जो रास्ता उनका वेलकम हो, और कैसे संग, गुरुजी अकेले तो जाएंगे नहीं, संगत साथ जाएगी। बहुत सिफारिशें लगाई नहीं माने, जाना तो उन्हें जाना, आगे शर्मा आ गए, शर्मा तेनू की दिक्कत है, वो कहते गुरुजी थोड़े दिन ना फिर रुक जाओ, है कमलिया आपे बनावा ते आपे खावांगे। लो जी रात को ही 12 बजे गाड़ियां चल पड़ी,
बस चली, साथ में पूरा गाड़ियां काफिला सब चला। एक बताते कि कोई किसी की बुकिंग बाहर की थी, दुबई की थी, वो भी मेरे पंजाब से आई एस ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ आए। वो तो वैसे ही माथा टेकने आए थे, वो तो वैसे ही माथा टेकने आए हैं। तू कितने जा रहे हैं? दुबई गुरु जी जा रहे है। कमला शर्मा के रिजॉर्ट से चलो, शर्मा के रिजॉर्ट से चलो। लो जी हमें, मैं घर में अपने डॉटर के साथ गुरुजी के लिए गाड़ी जो भी थी कि उनको बेडरूम बनाना, उनका सारा सामान गुरुजी का, नहाने का, धोने का सब सामान, कैसे जो अंदाजा थोड़ी बहुत अकल आई उसके अनुसार मैंने वो तैयार कर लिया। चल पड़ा काफिला गुरुजी का। गुरुजी की बारात टाइप ही होता था, एक जैसी बारात चलती है। तो अब रास्ता लंबा था, रात को गुरुजी कहते मैं तो बस में बैठूंगा, हालांकि बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां थी सबकी। गुरुजी इधर बैठो ना, मैं संगत नाल बैठना, आगे वाली सीट पे ऐसे बैठ गए। अब सुबह का टाइम हो गया, तड़के का टाइम हो गया, लोगों ने फ्रेश होना था। शर्मा कितने है ना, फ्रेश होना सबने, कोई चाय पानी पीनी है। शर्मा जी की वैसे डरे, देखा तो सोनिया होटल रास्ते में पड़ता, तो वहां इन्होंने गाड़ी, हालांकि वो होटल हमेशा फुल रहता, तो इन्होंने गाइड करा कि गुरुजी जहां सोनिया होटल है जहां रोक देते हैं, जहां पर इनको डर था कि मुश्किल पड़ेगी, सारे कमरे बुक गए। जब वहां पहुंचे, सोनिया का मालिक कभी नहीं ऐसे मिला, वो मालिक आगे आता मिला। ये कौन थे? गुरुजी अपने आप ही सब सिस्टम खोल देते हैं। अब मालिक आगे आ रहा तो ये भागे गए फटाफट। उसने मालिक ने कहा शर्मा तू कितने है? इन्होंने सोचा अगला शब्द कोई अपशब्द ना बोल दे मेरे को, क्योंकि गुरुजी ने तो स्मार्ट पैंट शर्ट डाली हुई थी कि गुरुजी को पहचानेगा नहीं और मेरे को कोई उल्ट दोस्त का पक्का कोई बात ही ना कह दे। ये दौड़े गए उसके कान में कहा कि ये गुरुजी हैं हमारे। उसने नमस्ते करी, प्रणाम करा, तो गुरुजी ने उसका नाम लिया, हालांकि इन्होंने नाम नहीं बताया था। वो कहता आज तो सारे कमरे ही खाली है, सारे कमरे खाली है। कहता जी हमें समझ नहीं है क्यों कमरे खाली है, सब जितनी संगत थी सब फ्रेश होके आई, सबके लिए गरम गरम चाय बनी, सब कुछ बना। गुरुजी रामगढ़ गए, सुबह होगी, जैसे रामगढ़ गए इतनी प्यारी स्वर्ग की धरती, गुरुजी एकदम खुश हो गए। कहां दिल्ली में गर्मी 45 टेम्परेचर, कहां ठंडी ठंडी हवाएं। गुरुजी वहां पहुंचे तो शर्मा तेरा रिजॉर्ट है? वो कहते हमारा नहीं है गुरुजी, मेरा नहीं है, सारा आपका ही है। गुरुजी थोड़े दिन के लिए वहां गए थे, गुरुजी बहुत काफी दिन रुके वहां। रोज गुरुजी क्या करते थे, फोन होना दिल्ली, वो आ जा तू भी, बहुत मौजा, स्वर्ग है, ठंड ही ठंड है, ऐसे तो रजाइयां चलदियां, आ जा तू भी। रोज संगत आती थी वहां। अब लीव नहीं करा करेंगे कि कैसे प्रबंध हुआ, ऐसे था जैसे दिन रात सुबह के नाश्ते बुफे सिस्टम चल रहे हैं, दोपहर के खाने चल रहे हैं और रात के डिनर लंगर चल रहे हैं, और ऐसे था कि जैसे उन लोगों को भी बहुत नजदीक आने का मौका मिला जिन्होंने कभी गुरुजी से बात नहीं करी थी, उनको नजदीक बैठने का मौका मिला। डेली गुरुजी कभी कहीं कभी कहीं, घूमने जाना देखने जाना। एक दिन कहते चलो नैनीताल घूम के आने, आप नैनीताल के लिए तैयार हो गए।
सारी गाड़ियां सब तैयार हो गए, बसें तैयार हो गई जी, नैनीताल जाना, नैनीताल जाना। नैनीताल वहां से 40 मिनट का रास्ता है। अब नैनीताल इन्होंने कहा, गुरुजी मैं भी चलूं साथ, माल रोड बंद होती, सीजन का टाइम है, कमला तेनू की लोड़ है जान दी, तू अपना पीछे देख, अपन ले सारे माल रोड खुल जानिया। जब गुरुजी वहां गए, गुरुजी पैदल चल रहे माल रोड के ऊपर, वो सीन इतना प्यारा सीन है, और सारी संगत पीछे चल रही है, माल रोड पे स्पीड से चल रहे हैं। उनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, गुरुजी की ऐसे भागते थे। इतने में मेरे को ध्यान आया, माल रोड पे एक दिल्ली से नैनीताल के लिए टूरिस्ट बस से चलती थी नासिर की, उनको मैंने फोन करा, उनके 13-14 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं था, औलाद नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो यही वक्त है कि गुरुजी से वो मिल लेगा। मैंने फोन करा तुरंत नासिर, उसकी हाइट बहुत लंबी थी, वो बाइक लेके आ गया, स्पीड से गुरुजी चल रहे थे, वो भी साथ चलने लग गया। गुरुजी ने बड़ी ऐसे टेढ़ी निगाह से उसको देखा, कहते हो नासिर दो दो बीवियां ले बैठा, इशू एकदा भी नहीं है, एकदा भी इशू नहीं है। और हमें पता नहीं थी उसकी दो बीवियां, क्योंकि हमें तो एक ही बताई हुई थी। इतने में क्या करा, गुरुजी ने नासिर भाई की दुकान के आगे रोक ले, उसकी दुकान के अंदर गए, बाहर बैठे, गुरुजी के एक चेयर लगा दी हमने, हम जितनी संगत थी वो सारी आसपास, गुरुजी क्या खाओगे हैं, सोच में, और चलो छल्ली ले आओ, छल्ली भुट्टे को कहते हैं पंजाब में, छल्ली कहते हैं, छल्ली ले आओ। गुरुजी ने छल्ली खाई, वो ऐसा था कि गुरुजी चेयर पे बैठे थे, आसपास सारी संगत थी, भीड़ लगी हुई थी, तो जितने भी टूरिस्ट आए थे उन्होंने सोचा कोई शूटिंग चल रही है, तो वो लोग भी आ गए, वहां बोटिंग करी सबने, इंजॉय करा गुरुजी के साथ। गुरुजी नैनीताल क्लब में गए, भोटिया मार्केट में गए, जहां भी माल रोड की सारी दुकानें हैं, कभी किसी के अंदर दुकान के अंदर, कभी किसी, आज भी वो प्रिंस की दुकान है एक, वो हमेशा याद करता, वो कहते जब से उनके चरण हमारी दुकान पे पड़े हैं हमारे बारे न्यारे हो गए। अब बाकियों के पता नहीं कितने हुए होंगे, भोटिया मार्केट में गए, सब जगह गए, उनकी रहमत बहुत है। जब दिल्ली वापस आए, शर्मा स्वर्गां च अच्छे भले बैठे सी, नरकां च आ गए हम ऐसे, क्योंकि टेम्परेचर और बढ़ गया था, 48 टेम्परेचर हो गया था। तो ऐसे जब जब भी वो आए, अपने रूप से आए और अपने दावे से आए गुरुजी, गुरुजी के साथ हमें बहुत अच्छे मौके मिले। कभी उनके साथ, आज डुगरी में उनका स्थान जो है चारों धाम बन गए हैं, तब पुराना घर था उनका, पुराने घर में गुरुजी के साथ जाते थे, जब उनकी मदर का टाइम था, कभी बीमार हो गए, कुछ हो गए, तब बहुत ही गुरुजी के साथ, कभी जलंधर, कभी लुधियाना, कभी पटियाला, उस ईश्वर के साथ बैठने का, बातें करने का बहुत अच्छा मौका मिला। एक दिन ऐसे 2-2.5 बजे का टाइम था, इतना बढ़िया हमें मौका मिला कि हम तीनों बैठे थे, मैं, हस्बैंड और बड़ी डॉटर बैठी हुई थी, रात को 2:30 बजे का टाइम, ऐसे जमीन पे लेटे थे, मैट के ऊपर लेटे हुए थे अपनी पूरे मस्ती में, तो हम ऐसे उनके चरण दबा रहे थे, एकदम उठे, उठ के खड़े हो गए, हम भी खड़े हो गए। उस दिन बाई चांस किचन में नहीं, ना आस ना पास कोई भी नहीं था, उनके रूम में गए, रूम में गए तो वो ऐसे अपने चारपाई पे बेड के ऊपर ऐसे बैठ गए, इशारा करा तो हस्बैंड जो थे उनके चरण दबाने लग गए, डॉटर उनका हाथ दबाने लग गई, और उनके येलो कलर की लाइनों वाली शर्ट डाली हुई थी,
तो शर्ट को उन्होंने ना ऐसे पीछे से ऊपर करा हुआ था, इशारा करा कि इसको प्रेस करो, क्योंकि गुरुजी के काफी कष्ट ले लेके उनकी बॉडी एक होती थी। तो मैं भी गुरुजी के साथ बैठ के उनकी बैग ऐसे मल रही थी, तो शर्मांटी मैं क्या, हाँ जी गुरु तेरे हाथ तो छोटे छोटे हैं। फिर मैंने जोर से दबाना शुरू किया, वो खुशबू जो हम लेते हैं, वो खुशबू जो हम लेते हैं उनकी बॉडी से उस टाइम ऐसी क्रिएट हो रही थी जैसे बादल निकल रहे हैं, जैसे पानी को बॉइल करो ना वो धुआं पूरा निकलता, और वो ऐसे लग रही थी खुशबू कि जैसे अंदर ही निकल गए हम। इतने में देखा डॉक्टर को क्या दिखाया उन्होंने कि उनकी नाभि के अंदर ऐसे वही खुशबू जो मैंने बताया धुआं ऐसे गोल 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 घूम रहा था। हैं डॉक्टर को कहने लगे कर ले ब्रह्मांड के दर्शन कर ले, चलो नमस्ते चलो मौजा करो। ये उनकी रहमत, उस ईश्वर के साथ हमने कैसे, एक दिन मैं आपको बताऊं कि वो सच खंड का प्रसाद कैसे निकालते थे। उनकी दुनिया ही और थी, वो आज भी उनकी दुनिया ऐसे है, क्योंकि उन्होंने हमें पता ही नहीं लगने दिया कि वो एक साक्षात ईश्वर है। ईश्वर जब जब भी धरती पे आए उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं ईश्वर हूं। क्या भगवान कृष्ण को जब आए तो यशोदा को पता चलने दिया कि ईश्वर है? इवन पांडवों को भी नहीं पता चला कि जो भगवान जो कृष्ण है वो एक साक्षात ईश्वर है। तो इसी तरह हमारे गुरुजी, एक दिन ऐसे कोई गुरुजी के भक्त आए, बहुत पुरानी बात है, तो उनके दोस्त ने कहा कि गुरुजी सॉरी कि मैं गुरुजी के मंदिर जाना। वो कहते हैं मैं तो पंजाब जाना, मैंने तो बड़ी भूख लगी है। वो कहने लगा नहीं मैंने गुरुजी के दर्शन करने हैं, बहुत जिद करी। वो कहता देख अगर तूने गुरुजी के दर्शन करने सिर्फ 2 मिनट जाई मैं बाहर गाड़ी में इंतजार करूंगा। वो जस्टिस गिल थे जो बाहर इंतजार कर रहे थे, वो अंदर गए। गुरुजी तो अंतर्जामी है, उनको तो सब पता, जानी जाना वो कौन गाड़ी में बैठा। गुरुजी के पास आना अपनी मर्जी है और जाना फिर गुरुजी की मर्जी होती थी, जब छुट्टी दे तभी, अदरवाइज हम नहीं जा सकते। वो गुरुजी के पास बैठे तो कैसे जाएं बाहर? जो बाहर का आदमी था वो इंतजार कर रहा था कि अभी नहीं आया अभी नहीं आया अभी नहीं आया। हार के उसने देखा जाके मैं उसको पकड़ के लेके आऊं, जैसे वो हाइट लंबी थी उनकी, जैसे ऐसे करके अंदर निकले गुरुजी किचन के आगे कुर्सी पे बैठे हुए थे। लंगे आओ गिल साहब आ जाओ। वो अपने आप नाम लेते थे, वो जानी जानते उनको सब पता था। जाके बैठ गए ऐसे, हैं भूख लगी थानू? वो कहता लगी तो है जी भूख लगी है। फिर क्या खाओगे? कहता जी जो खिला दोगे खा लेंगे अपन, क्योंकि उसको भूख बहुत लगी थी। तभी उसने कहा ढाबे पे जाके खाना खाएंगे। गुरुजी कहते क्या खाओगे? जो खिला दोगे खा लेंगे अपन। गुरुजी ने ऐसे हाथ करा तो गरम गरम परौंठे सच खंड के आए, लाओ जी खाओ। वो खा गए, वो तो वो कहते हैं मैं मैं करके फटाफट खत्म करे कि परौंठे सच खंड गए थे। गुरुजी कहते होर खाओगे तुसी? कहते खिला दो जी। दोबारा फिर हाथ करा तो गरम गरम परौंठे फिर आ गए, खिलाए। फिर वो चरणों पे लेट गया।
कहता ये चरण छोड़ के दर छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। हमेशा के लिए वो गुरु जी का भक्त रहा। एक दिन ऐसे ये भी कहने लगे, हस्बैंड भी कहने लगे, गुरु जी सचखंड का प्रसाद दिखाओ ना, जैसे कोई बच्चे करते बातें हैं, सचखंड का प्रसाद दिखाओ ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि गुरु जी क्या चीज है। दूसरे दिन गुरु जी ने क्या करा, हम 20-25 लोग थे, मेनका भी बैठी हुई थी, उसे गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे, तो क्या देखते हैं गुरु जी ऐसे हाथ करा, वो ऐसे हाथ करते थे, ऐसे हाथ करा, पहले तो हमने देखा कोई छोटा सा लड्डू आया, इतना था, वो गोला बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया। गुरु जी ने उसको दिया मेनका को, गुरु जी मैं प्रसाद सबको दे दू, हाँ दे दो सबको, उन्होंने एक एक कम दिया, इतना इतना प्रसाद दिया। वो प्रसाद का जो एक कम था, हमने जब मुंह में डाला, ऐसा था जैसे सैकड़ों खुशबू की बोतलें हमारे अंदर चली गई, ऐसी वो खुशबू थी, ऐसी वो सच खंड की चीजें ऐसी क्रिएट कर देते थे। ये तो उन्होंने मानव जन्म लिया, तो उन्होंने मानव जन्म लेके ह्यूमन बीइंग होके तो थोड़ा उसी टाइप का दुनिया को दिखाना था। वो तो एक बाउंड थे, बाउंड हो चुके थे संगत के बीच में, उनका चोला छोड़ना भी जरूरी था। जो चोला छोड़ा, क्योंकि दुनिया का कल्याण करना था उस टाइम, बहुत मैंने बताया लिमिटेड संगत थी, तो चोला छोड़ा तभी दुनिया का कल्याण हुआ। अब वो फ्री पंछी हैं, अब तो फ्री पंछी हैं, वो सारी दुनिया का सारे, आज कौन सा ऐसा कंट्री है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी। दिल्ली में आप जाओगे, घर घर में मंदिर। एक दिन ऐसे बड़े आराम से बैठे हुए, ऐसे बैठे सोच रहे थे, अचानक उनसे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता था, हैं साईं दे तो 100 साल बाद मंदिर बने हैं, अपां दे जानते ही मंदिर बन जाने, घर घर मंदिर बनने हैं। तो हम सोच रहे थे कोई गुरु जी गप्पे मार रहे हैं, ऐसे हो सकता है। एक दिन हम बड़े मंदिर गए, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, साथ वाली सीट पे गुरु जी बैठे थे और मैं बैक वाली सीट में, बीच में ऐसे मैं बैठी थी, बातें करते हुए जा रहे थे। तो जैसे ही हम बड़े मंदिर से पहले एक जगह आती है, शर्मा ए केड़ी जगह है, ये कहते गुरु जी ये ता फतेहपुर बेरी है, ले ऐसे तक लाइना लग जाने के अपा दिया। उस टाइम तो ऐसे लग रहा था कि गुरु जी गप्पे मार रहे, ऐसे हो सकता कि लैना लग जानी है, लैनी लग सकती है, पर आज देखो लाखों करोड़ों गुरु जी के मंदिर में फंक्शन होते हैं, लाखों लोग पहुंचते, लाखों लोग पहुंचते हैं, लाइने तो दूर की बात, उनका 6-6 घंटे के बाद नंबर आता। ये है वो ईश्वर। जब हम बड़े मंदिर गए तीनों, आगे देखा तो गेट के अंदर जाने लगे, माली को आवाज दी, ओए माली कितने तू। माली ने फौरन गेट खोला, फटाफट लाइटे जलाई, कितने तेरी मालन, वो ऑर्डर 1 सेकंड में दे देते थे, चल मिठे चौल बनाओ, अब आधी रात का टाइम है, मिठे चौल बनाओ। हम बैठ गए जो मेन दरबार है उसके बाहर, उसने फटाफट, माली ने चारपाई लाए, जैसे गांव वाली चारपाई होती थी ना, बुनी हुई चारपाई बांध से, वो चारपाई लेके वहां बाहर कर दी, बिछा दी, एक तकिया दे दिया, गुरुजी लेट गए।
और मैं भी वहां एक पिलर हाउस के साथ ऐसे बैठ गई। रात को देखा, मैंने जैसे घड़ी देखी, गुरुजी तो अपनी मस्ती में लेटे हुए हैं। मैंने देखा 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गए, 2:30 बज गए। तो मैंने बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा देखो हाथी हो गया, 2:30 बज गया, इनको कोई खबर ही नहीं है। मन के अंदर सोचा, मैं कह सवेरे स्कूल जाना बच्चों ने, 1 सेकंड नहीं लगाया उठने में, हैं बज गए 2:30। हाँ जी, मन की बात को वो करंट की तरह लगती थी उनके, और 1 सेकंड में उनको पता चल जाता वो आज भी है, वो उनकी चीजें आज भी हैं। उनके साथ हमारा लाड प्यार, दीवानगी कैसी थी, बहुत प्यारी दीवानगी थी, वो बहुत प्यार करते थे। उनको चाहे पिता रूप में मानो, माता रूप में मानो, भाई रूप में मानो, बच्चे के रूप में मानो, भगवान कृष्ण को कितने रूप देते हैं हम, ईश्वर को कितने रूप देते हैं, उनको भी किसी भी रूप में मानो, वो हाजिर है। उनके साथ क्या हुआ, वो गुरुजी जैसे ऐसे बैठते हैं, आज भी वो साक्षात बैठे हैं। जब उनको बुलाते हैं वो साक्षात बैठते हैं और अपनी प्रेजेंस भी बता के जाते हैं, और उनको बैठना ही पड़ता क्योंकि उनको संगत बहुत प्रिय है। तो ऐसे हम लोग ऐसे बैठते थे सामने, तो मैंने देखा, मैंने कहा गुरुजी है ना थोड़े कमजोर से हो गए। अपने मन के अंदर सोचा, मैं कह कमजोर से लग रहे हैं, आदमी सिंपल वे से बात सोच लेता। मैं कह लगता है इनको कोई, हम लोग सारे देखते हैं इनको, इनको भी बेचारों को कोई नजर लगी होगी। तो मैंने सोचा इनकी कोई नजर उतार दें। घर में जाके मैंने प्रण करा कि इनकी नजर उतार लिया। जब घर में अगले दिन दोपहर के टाइम देखा कि घर के अंदर किचन में भी कोई नहीं है, आसपास कोई नहीं, बच्चे भी नहीं आए स्कूल से, तो मैंने वो लाल जो मिर्च होती डिंडी वाली वो ली, 4-5 जैसे वो उतार दी नजर। मैंने हमारे घर में कुर्सी जिसके ऊपर गुरुजी बैठते थे आके, तो उसके ऊपर हमने एक स्वरूप रखा हुआ था, तो मैं फौरन मिर्चे लेके कोई देख ना ले, मैंने ऐसे ऐसे घुमा के गैस के ऊपर जला दिया, और तसल्ली हो गई, मन को शांति हो गई कि अब तो ठीक हो जाएंगे, नजर उतर जाएगी उनकी। सुंदर बहुत थी, ऑरा बहुत था उनका। शाम के टाइम मैंने, तो तसल्ली थी भी उतर जाएगी, शाम के टाइम ऐसे बड़े इजी वे से ऐसे बैठे हुए थे रूम के अंदर, हैं आ गई हैं, मैनू नजरां बड़ियां लग जांदियां। तो मैंने एकदम उस टाइम हम हैरान हो जाते थे कि इनको पता कैसे चल गया कहाँ घर है हमारा और कैसे पता चल गया। एक दिन ऐसे प्यार में लाड में, जैसे बेटी के लिए सुहाग गाते हैं तो बेटे के लिए घोड़ी गाते हैं, तो ऐसे जैसे आजकल भी लोग कई शब्द गुनगुनाते हैं। वो क्या पीछे एक वीडियो आया था, मैंने देखा था वो दिल दिया गल्ला अख नाल अख मिला के, तो अपनी भावनाएं हैं, अपने प्यार का इजहार है। तो मैंने भी घर में, मैंने ऐसे प्यार में बड़ी मस्त में घोड़ियां गानी शुरू कर दी, ऐसे काम भी कर रही थी और वो भी गा रही थी। शाम को जैसे मैं आई गुरुजी के पास, कहते हाँ हम सानू शादी करनी पड़ेगी। तो ऐसी वो मन की बात को ऐसी जान लेते थे। उनके साथ हमने पल पल ऐसे बिताया कि उसका किताबें भी लिख दें तो भी वर्णन नहीं किया जा सकता। लाखों करोड़ों जीवे बेशक हों,
पर उनकी महिमा इतनी गहराई से है, उनकी महिमा इतनी गहराई से है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज बड़ा मंदिर है, बड़े मंदिर के अंदर हमारे घर में दो मेहमान आ जाते हैं ना, आफत आ जाती है। उस दिन ऐसा कि हमें बड़ी सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ खाने पीने बनाने, वो लाखों लोगों को डेली कैसे संभालते हैं। वहां तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लाखों लोग आते हैं। गुरु जी की ही पावर है, गुरु जी की ही पावर है। वो बड़ा मंदिर जैसे भगवान शिव का कैलाश पर्वत आना हेडक्वार्टर, तो वही हेडक्वार्टर वो है। गुरु जी एक भोलेनाथ है, भंडारी है, दयावान है, वो हेडक्वार्टर है। जैसे क्लास में टीचर अपना एक मॉनिटर रख लेती है, मॉनिटर रखती है ना, तो निश्चिंत हो जाती थोड़ी कि हाँ भाई मॉनिटर क्लास को संभाल ले। तो ऐसे ही गुरु जी अपना एक मॉनिटर भी रखते हैं जो सारा कंट्रोल करता, आगे मॉनिटर के आगे 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 पार्ट्स है। तो ये गुरु जी की पावर है। ऐसे वहां दुनिया ऐसी नहीं है। कभी आप बर्थडे आने वाला गुरु जी का, मेरे ख्याल एक महीना दो महीने पहले लोग अपने तैयारियां शुरू कर देते हैं, कपड़े सिलाने शुरू कर देते हैं कि गुरु जी के बर्थडे आ रहा है, हमने कौन सी ड्रेस पहननी, कौन सी ड्रेस पहननी है। उस टाइम भी गुरु जी को बहुत शौक था, उनके शौक तो आपको क्या बताऊं, उनके शौक ही निराले शौक थे। एक दिन ऐसे शर्मांटी, मैं क्या आंधी हुई, ये चोला जो बनना ना, ए कपड़ा, उनको बहुत शौक था। गुरुजी ये है नहीं, गुरुजी ये नहीं नहीं, गुरुजी के कलर, चाहे वो शर्ट के हो या पैंट के कलर हो, उनके कलर भी टिपिकल कलर। रामगढ़ की एक और बात बताऊं कि वहां एक दिन गुरुजी ऐसे थे, तो वहां के कोई मिनिस्टर आ रहे थे, इन्होंने कहा गुरुजी उनको बुला लो बुला लो। वो आगे जब आए तो गुरुजी तो अपनी स्मार्ट ड्रेस में खड़े हुए थे, पैंट शर्ट में खड़े थे। अब जब वो आए, इनसे बातें कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा, साथ ही खड़े हुए थे गुरुजी, कि ये हमारे गुरुजी हैं। तो वो थोड़ा सा ना हैरानी से देखा, उसमें सोचा कोई बूढ़े होंगे, भगवे चोले वाले होंगे या कुछ होंगे। जब देखा गुरुजी ने बड़ी प्यारी पैंट शर्ट डाली हुई, बड़े हैरान से देखा। गुरुजी कहते, आई एम गुरु, मॉडर्न गुरु, कॉलर पकड़ के, आई एम गुरु, मॉडर्न गुरु। तो ऐसे गुरुजी का रुतबा, कैसे सिंपल थे। गुरुजी ने, गुरु जी को खिलाने वाला या पिलाने वाला या सेवा करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कभी किसी की सेवा लगती है, वो ये नहीं कि गुरु जी की सेवा नहीं, वो अपने कर्म हम काट रहे हैं, वो कर्म कटवा रहे हैं। गुरु जी को क्या, वो तो ईश्वर है, उनके लिए क्या कमी है। लस्सी का मैं बता रही हूं, जो लस्सी नाम भी पड़ा, कैसे ये गुरुजी जाने। एक दिन मैंने देखा गुरुजी को ड्रीम में मैं लस्सी पिला रही थी, बाई चांस क्या हुआ कि लस्सी मैंने बनाई घर में, बना के गुरुजी के लिए लेके गई डोलू के अंदर। वो डोलू आज भी है लस्सी का। जब लेके गई तो गुरुजी ने लस्सी पी, तो पी के बाहर आए, रूम से बाहर आए, शर्मांटी, मैं क्या, हां जी, ए तू मज्जा रखी है। तो मैं मुस्कुरा पड़ी। दोबारा फिर आधे घंटे बाद लस्सी पी, बाहर आए,
शर्मान की लस्सी बड़ी स्वाद है। तो फिर तीसरी बार देखा, गुरुजी ने फिर वर्ड कहा, लस्सी बड़ी स्वाद है। मैंने भी सोचा जो इनको लस्सी इतनी अच्छी लगी है तो मैं क्यों ना लस्सी बना के दूं इनको। तो लस्सी का प्रोसीजर जो था वो शुरू हो गया। अब लस्सी शुरू हो गई बननी। तो लस्सी का ऐसे होता था, कभी हम लोग बाहर होते थे देहरादून रामगढ़ नैनीताल जब बाहर, तो घर में हमें किसी को ड्यूटी देनी पड़ती थी कि गुरुजी की लस्सी लेके जाओ। कम पड़ जाती थी, मंदिर से फोन आ जाता था, शर्मा आंटी गुरुजी की लस्सी लेके आना। अब लस्सी चलने लगी, गुरुजी की चलती गई। इतने में क्या देखा, हमारे दो बच्चे नैनीताल पढ़ रहे थे, वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए। वो बच्चे छोटे थे, जब दिल्ली में शिफ्ट हो गए तो क्योंकि हमारा रोज काम था गुरुजी के पास जाने का, तब सातों दिन होते थे, आज चार दिन, तब सातों दिन होते थे। शाम के टाइम हमारा काम था गुरुजी के पास जाना और बच्चों का काम था लड़ना। अब डेली उनकी लड़ाई, बच्चों की लड़ाई में क्या, एक छोटे चैनल के लिए टीवी रिमोट उसने छुपा लिया, रिमोट उसने छुपा लिया, मैंने ये चैनल देखना, मैंने वो, बच्चों की लड़ाई। एक दिन मैं लस्सी लेके जा रही थी, वो वक्त था गुरुजी का चोला छोड़ने से पहले का टाइम था, कि ये वो भी कहा जा सकता कि गुरुजी कैसे शुरू करते हैं और कैसे उस बात को फिनिश करते हैं, ये उनकी लीला है। लस्सी लेके जा रही थी तो रास्ते में फोन आया डॉक्टर का कि मम्मा आज इसने ये करा तो मैंने इसको मार देना जान से। बेटे ने फोन छीना, इसने क्या करना तो मैंने मार देना। अब बच्चे छोटे छोटे, कभी वो फोन पकड़े कभी वो फोन करे। रास्ता गुरुजी का हमारे घर से मंदिर का 1.5 घंटे का रास्ता, वो 1.5 घंटे का रास्ता भी मेरे को भारी पड़ गया। मैंने लस्सी रखी हुई, जब फोन पे फोन आने शुरू हो गए तो मेरे को गुस्सा पता किस पे आया, क्योंकि गुरुजी के साथ हमारे रिलेशन में आपको बताऊं बहुत प्यार के रिलेशन है। गुरुजी पे गुस्सा आया सबसे पहले, मैं कह एक तो कसमाना लस्सी का डाला हुआ जान खाई हुई है, अगर लस्सी का ना हो तो मैं घर में जाके बच्चों को देखूं। मन में ही सोचा, मैंने पहले ही बताया कि वो मन की बात कैसे जानते हैं। अब वहां मंदिर में गई तो नीचे लस्सी रखी, रश था तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के वहां अभी मैं बैठी, बैठने की कोशिश करा तो सिंगला अंकल आ गए। शर्मा आंटी, मैं क्या, हां जी गुरुजी कहते डॉक्टर ने मना किया लस्सी ना लेके आइयो, ये देखो। मेरे तो पैरों के नीचे धरती खिसक गई कि गुरुजी, मैंने क्यों ऐसे मन में बात सोची, ये फटाफट पता लग जाता है इनको, पता चल जाता। सैटरडे था, संडे को फिर मैं आई। जब संडे को आई फिर वही बात, गुरुजी कहते डॉक्टर ने मना किया लस्सी लेके नहीं आने। उसके बाद लस्सी कब मांगी गुरुजी ने, जब उनकी पहली बरसी थी। पहली बरसी थी तो सुबह का टाइम, फ्राइडे को उनकी पहली बरसी थी, वेडनेसडे को मेरे को सुबह ही सुबह आवाज है गुरुजी की, लस्सी लस्सी लस्सी। तो मैंने कहा ये तो गुरुजी की आवाज है, तो मैं किसको बताऊं। इतने में पता चला कि जीके में कोई सत्संग होता, जीके वन में ओल्गा आंटी है। मैंने 9 बजे उनको फोन करा, मैं कह क्या आंटी मैं लस्सी लेके आ सकती हूँ। तो सोच के उसने बताया कि ती कि हाँ ले आओ लस्सी। मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग आएंगे, क्या है, कितनी लस्सी होनी चाहिए, उन्होंने बताया। तो मैं लस्सी शुरू करी वेडनेसडे को बनानी, फ्राइडे को रेडी हो गए
मैं वहां गई, लंगर के बाद साथ ही साथ लस्सी डिवाइड हो गई। जब लस्सी डिवाइड हो गई, सत्संग खत्म हो गया, तो एक लेडी मेरे पास आई कि शर्मा आंटी, आपकी लस्सी का सत्संग सुन के तो मैंने क्या करा, घर में लस्सी बनाई। मैंने कहा जी शौकीन है लस्सी के, इनको लस्सी पिलाऊं। मैंने लस्सी बनाई और गुरुजी को पेश करी। रात को ड्रीम में गुरुजी ने इतनी बड़ी डांट लगाई, कहंदे ए लस्सी हुंदी है ओ, कल शर्मा आंटी लेके आएगी ओ लस्सी हुंदी है। फिर एक और लेडी आई, कहती मैंने भी गुरुजी को लस्सी पेश करी और गुरुजी ने इतना गुस्सा करा, कहंदे ए लस्सी हुंदी है, कल शर्मा आंटी लेके आएगी। तो जो आवाज आ रही थी वो तभी बार बार कह रहे थे कि लस्सी बना के लेके आ। पीछे 2016 में जब मैं आई थी यूएसए, तो बेटे का फोन आया कि मामा गुरुजी आए थे। मैंने कहा अच्छा। कहता ड्राइंग रूम में बैठे, मैंने बिठाया गुरुजी को, मैं गुरुजी क्या लोगे, कहते लस्सी पी लूंगा। तो अब घर में रेडी होगी लस्सी, तो मैं बताओ कहाँ भोग लगाऊं। मैंने कहा बेटा घर का मंदिर है उसमें भोग लगाओ। कहता नहीं, मेरा मन है कि बड़े मंदिर में लेके जाऊं। तो ऐसे वो लस्सी मांगते हैं, शौक लस्सी का। तो लस्सी, जब लस्सी का सत्संग शुरू हुआ तो कैसे वो नाम, ये कह रहे आंटी सीमा आंटी कि लस्सी का नाम कैसे पड़ा लस्सी आंटी, तो वो नाम डालने वाले भी वो ही है, नाम डालने वाले भी वो ही है। हो सकता है कितने का हमारे कर्म काट रहे हैं वो। तो ये था एक, इन्होंने कहा कि एक दिन मैं मंदिर में बैठी थी, छोटे मंदिर में, तो मैंने देखा रेड मैरून कलर के पर्दे थे चारों तरफ। अब शुरू शुरू में गए, हमें क्या शब्दों का था कि शब्द सुनने या, तो शब्दों की तरफ तो मेरा ध्यान नहीं, सच मुझ बताऊं शब्दों की तरफ ध्यान नहीं होता था, मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ होता था कि गुरुजी कैसे बैठे हैं, कैसे वो जल प्रसाद ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरा ध्यान पर्दों में गया। मैंने मन में सोचा कि पर्दे बड़े मैले हैं, मन में सोचा पर्दे बड़े मैले हैं। जब सत्संग खत्म हो गया, रात को गुरुजी उठे, अपने सीट से मेरे पास आके खड़े हो गए। शर्मा आंटी, चलते चलते शर्मा आंटी, मैं क्या, हां जी, सवेरे आई पर्दे सारे लो आके ले जाई, ते तो आके लिया, ये गुरुजी है। एक दिन ऐसी कोई पंजाब की संगत आई हुई थी, बहुत ठंड बरस रही थी, गुरुजी की आदत थी कि जैसे संगत आए तुरंत उनको विदा कर देते थे, चाहे वो बॉम्बे का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे पंजाब का, किसी भी इलाके का। तो पंजाब की संगत बैठी थी, बाहर फॉग पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि ये बेचारे कैसे जाएंगे फॉग के अंदर, ये संगत वापस कैसे जाएगी। जब रात को वापसी का टाइम हुआ, शर्मा आंटी, मैं क्या, हां जी गुरु जी, एना ने चुक ते अपने घर ले जा, हूं इन्हों चुक ते कर ले जा। तो ऐसे वो मन की बात जान लेते हैं, वो आज भी जानते हैं। एक और आपको बता देती हूँ, सीमा आंटी ने कहा, वो एक बार क्या हुआ, गुरुजी फोन कैसे करते थे, फोन कभी ऐसा नहीं कि उनके पास फोन होता था, नहीं, वो ऐसे हाथ से ऐसे फोन नंबर, ये नहीं होता था कि गुरुजी को नंबर पता है या क्या है, वो अपना हाथ ही ऐसे करते थे, फोन टनाटन लग जाता था। कई बारी घर में फोन करना, छोटी डॉटर थी, वो पुराने फोन होते थे, बड़ी आवाज आती थी उसमें टन टन टन, तो छोटी डॉटर दौड़ती थी फोन अटेंड करने के लिए। तो गुरुजी उधर से वो
अपने स्टाइल में बोलती थी, उसको पता ही नहीं कि गुरु जी फोन पे है. हु इज ऑन द लाइन, हु इज स्पीकिंग, क्योंकि नहीं नहीं वो सीखी थी उसने. गुरु जी उधर से बोलते, मैं बोल रहा, गुरु बोल रहा. एकदम नमस्ते गुरु जी, नमस्ते गुरु जी. तो ऐसे एक दिन ऑफिस में जो बैठे थे, हस्बैंड बैठे थे, तो गुरु जी का फोन आ गया. फोन उठाया, शर्मा की कर रहे हैं. गुरु जी की आवाज कड़क आवाज होती थी, ठेठ पंजाबी बोलते थे. शर्मा की कर रहे हैं. गुरु जी ऑफिस बैठा, ले दो कपड़े पाके आ जा. फोन रख दिया. जब फोन रख दिया तो इनको चिंता हुई कि ये फोन तो गुरुजी का था, तो ये क्या कह रहे दो कपड़े पाके आ जा. घर में इन्होंने मेरे को तुरंत फोन करा कि आज गुरुजी को पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे ऐसे कह रहे थे. तो मैंने कहा ऐसे कह नहीं सकते. कहते नहीं, गुरुजी ने यही कहा दो कपड़े पाके आ जा. आधे घंटे के अंदर इन्होंने 10 फोन घर में करे, चिंता में कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा. मैं क्या हो सकता उन्होंने कोई कल्याण हमारा करना, क्योंकि उनके तरीके मैं क्या अलग अलग तरीके हैं, क्या पता उन्होंने हमारा कल्याण करना हो. कहते तेरी अकल मारी गई है, दो कपड़े पाके ऐसे हो सकता. इतने में गुरुजी का फोन आ गया आधे घंटे के बाद. शर्मा कितने हैं? कहते गुरुजी ऑफिस है. ते तू आया नहीं है, तेनू कहना दो कपड़े पाके आ जा. गुरु जी कहते, शर्मा कहते कि तीन पाला गुरु जी, तीन पाला है कमला जिया, तेनू मैं कहना दो कपड़े पाके टैची चा जा. इनको गुरु जी ने जलंधर भेजना था, किशोरी अंकल थे उनके, किसी काम के लिए भेजना था. तो गुरुजी का जब भी कुछ कहते थे दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी क्या कह रहे हैं. तो ये गुरुजी की रहमत है, ये उनकी कृपा है. गुरुजी का मैं आपको बता रही हूं कि उनकी आज क्या पावर है. हमारी छोटी बेटी एक सेकंड में गुरुजी कैसी कृपा बरसा देते हैं. एक मिनट तो बहुत दूर की बात है, जब कृपा बरसाने पे आती तो एक सेकंड में वो कैसी कृपा बरसा देते हैं. हमारी छोटी डॉटर, उनके सेकंड बेबी हुआ, जो फर्स्ट बेबी था वो 6 साल का था. जब बेबी घर में आता, बेटा उनका घर में आया सेकंड वाला, तो बड़े बेटे को वो नेगलेक्ट करके भूल गए. सर्दियों के दिन थे, जनवरी का मंथ था, ठंड बहुत ज्यादा थी, बेटे को खांसी जुकाम बीमार टेम्परेचर हुआ, बेटा बहुत डाउन चला गया, बीमार हो गया. जब उसको दिखाया डॉक्टर के, डॉक्टर ने उसको ये टेस्ट करे, वो कहते तुरंत इसको एस्कॉर्ट हॉस्पिटल ले जाओ. मंडे का दिन था, एस्कॉर्ट हॉस्पिटल गए, वहां डॉक्टर ने टेस्ट लिखे कि जे बच्चे के टेस्ट करवाओ. जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने उनको बुलाया कि आपके बेटे को ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये इसका इलाज 25 इयर्स है. अब 6 साल का बच्चा, इसके पेंसिलिन के इंजेक्शन लगेंगे. पेंसिलिन का एक ऐसा इंजेक्शन है कि जिसको बड़ा आदमी भी नहीं लगा सकता. अब उसको पेंसिलिन के इंजेक्शन डॉक्टर ने बोल दिया, तो बेटा और दामाद वही रोने धोने लगे, डॉक्टर के सामने रोने धोने लगे. इतने में वो घर किसी तरह आ रहे थे, तो मेरे को ऑन द वे उन्होंने फोन करा कि मम्मा ये बात हो गई. इतने रो रहे थे, तुरंत मैं उनके घर गई. घर में जब वो आए तो तुरंत बेड पे गिर गए,
इतना उनकी मदर इन लॉ रो रही थी, सारा परिवार रो रहा था। जब भी मैं सारे देवता ये है वो है कोई ईश्वर सारे जितने गॉड्स उनको कांटा फेर दिया, ये कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें तो धरती फट जाए हम उसमें समा जाए, ऐसे हमने कौन से कर्म करे हैं कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत आए। मैंने उसको डांटा, तब क्या करते हम, गुरु जी का दावा करते हैं, गुरु जी की तरफ से हम खुद ही ऐसे खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा क्यों रो रही है, गुरु जी हैं? नहीं मम्मा कुछ नहीं है कुछ नहीं है, मैं कहा गुरु जी हैं। तुरंत उसको डांट के मैंने कहा दो मिनट फ्रेश हो जाओ और गुरु जी के बड़े मंदिर चलो। बड़ी मुश्किल से बेटी को तैयार करा, उनकी मदर इन लॉ बेटा भी हमारा आ गया, बड़े मंदिर में गए। क्या उसको एक इतना लड्डू प्रसाद और वो समोसा दिया। जब वापसी पे आ रहे थे, ये बताना चाह रही हूँ कि गुरु जी कैसी कृपा एक सेकंड में बरसाते हैं। उस टाइम बच्चे को सडेशन थी, होश नहीं थी। वापसी पे जब वो तिवोली के पास हम आए, वो बच्चा ऐसे एक्टिव होके खड़ा हो गया, उसने बाजू ऐसे स्मार्ट बन के, मम्मा मैं ठीक हो गया। हम उसके चेहरे की तरफ देखे, कितना उसका चेहरा दमक रहा। घर आए, बेटी को कहा मैं कि अब मैं आपको रिटर्न देती हूँ, वर्ल्ड के किसी हॉस्पिटल में भी आप दिखा लो ये बच्चा ठीक है, इसको कुछ नहीं है। पर फिर भी मेरी बात का कोई विश्वास नहीं है। नेक्स्ट डे पापा से बोल के उसने मेदंता, एम्स, जितने हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं सब में अपॉइंटमेंट ली, दोबारा टेस्ट करवाए, टेस्टों में कुछ नहीं आया। अब वो बच्चा 12 साल का है। आप सोच सकते हैं कि कहां डॉक्टर ने कहा इसका इतने साल लगेंगे इलाज को, कितने उसके वो निकाले उसने कि ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। और नेक्स्ट डे ऐसे क्या था गुरुजी का जो सारा सफा जट कर दिया। इतनी बड़ी पावर हो सकती है कहीं? नो, ये कौन कर सकता, गुरुजी कर सकते हैं। ऐसे उस बच्चे को रहमत बरसी एक सेकंड में। उसी का दूसरा बच्चा जो हुआ, कैसे गुरुजी अपनी डेट के पक्के हैं ये मैं बताने जा रही हूं कि वो अपनी डेट के कैसे पक्के हैं। दिसंबर में फोन आया, बेटी प्रेग्नेंट थी, कि मम्मा मेरी डॉक्टर ने कहा कि कोई डेट निकाल लो, कोई अच्छी सी डेट निकाल लो, आजकल वो चला हुआ जो भी फैशन, कि उसी दिन डिलीवरी हो जाएगी, अच्छी डेट निकालो। मैंने कहा हमने क्यों पंडितों के चक्रों में पढ़ना, हमारे तो गुरुजी हैं। गुरुजी से मैंने पूछा, 7 जनवरी गुरुजी ने दी डेट, 7 जनवरी। अब 6 जनवरी को बेटी एडमिट हो गई मूलचंद में। जब 7 तारीख आई, डॉक्टर आई, डॉक्टर इंदो, उसने देखा बेटी को टेम्परेचर, वो कहती मैं तो कर ही नहीं सकती, आप ऐसे करो पंडित सीख और कोई डेट निकलवा लो, क्योंकि इतने टेम्परेचर के अंदर मैं नहीं कर सकती। बेटा ऐसा करो छुट्टी करो घर जाओ। बेटी रोने लगी और धीरे से उसने पूछा कि मम्मा गुरुजी ने तो 7 तारीख दी थी, उसकी मदर इन लॉ, उनकी फैमिली, हस्बैंड सारे खड़े हुए थे। जब बेटू के 2 आंसू गिरे बेटी के, तो मैंने भी गुरुजी से कहा शाबाश है मैं क्या, शाबाश मैं क्या, मैं तो समझती हूँ कि आगे हमें झूठा डलवा दिया, डेट 7 दी है तो देखो कितनी, मन में कहा कितनी शर्म आई, मदर इन लॉ खड़ी सारे खड़े हैं, तो बहुत फील हुआ। इतने में देखा 2 मिनट के बाद एक खुशबू आई, वो कैसे सुनते हैं, खुशबू आई तो मैंने, खड़े थे हम लोग सारे, मैंने कहा जी गुरुजी आ गए हैं।
किसी का कोई रिस्पांस नहीं। उसके बाद अगली खुशबू आई तो मैंने सबको कहा, वो खड़े हुए थे, मेरी अपनी डॉटर खड़ी हुई थी बड़ी, मैंने कहा जी गुरुजी आ गए हैं। किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं। अब जब तीसरी बार खुशबू आई तो मैंने कहा जोर से आवाज देके, मैं क्या गुरुजी आ चुके हैं। 2 मिनट के बाद बेटी को दिक्कत आई, फौरन डॉक्टर आई, नर्सें आई। वो क्या था कि वाटर बैग बस्ट हो गया। अब वाटर बैग बस्ट हो गया तो वो तो होना ही होना, हमें तुरंत बाहर चलिए 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 बाहर। 7 जनवरी जो गुरुजी ने डेट दे रखी थी, 7 जनवरी को 7 बजे उनके बेटा हुआ। ये गुरुजी अपनी डेटों के भी पक्के हैं। गुरुजी से जो भी मांगो प्यार से श्रद्धा से। कई लोग कहते हैं कि जी हम कनेक्शन कैसे बनाएं, पूछते हैं कि कनेक्शन बनता कैसे है। उनके साथ आज तो इजी कनेक्शन है, बहुत इजी कर दिया, एडमिशन भी इजी कर दी उन्होंने, तब बड़ी टफ एडमिशन होती थी। गुरुजी कहते हैं उनके साथ प्यार श्रद्धा और अनकंडीशनल लव। उनको मानो मांगो मत। जब आपने उनको मान लिया तो सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। वो तो देने के लिए बैठे हैं, आप लेने वाले बनो। लेने के लिए एक प्यार तो चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, उन पे भरोसा रखो। भरोसा रखोगे तो सब कुछ पालोगे। हजारों सत्संग है, कितने मर्जी करते जाओ वो खत्म नहीं होते। तो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के दर्शन करके, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको इतना याद है, अमेजिंग। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना।